नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजन प्रतिमदास फिर से आप लोगों के पास आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नया टॉपिक लेके। पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्री मैच्योर इजाकुलेशन या शीघ्र पतन पुरुषों का क्या है और इसके वजह से क्या क्या हो सकता है प्रॉब्लम और इसका कारण क्या क्या है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह से आसानी से घर में ही हम ये जो प्रॉब्लम है, ये जो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है पुरुषों का प्री मैच्योर इजाकुलेशन या शीघ्र पतन, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एकदम आखिर तक, एंड तक देखते रहिए ताकि आपको पता चले कि कैसे आप घर में ही इससे छुटकारा पा सकते हैं और आपका जो फैमिली लाइफ है, आपका जो पर्सनल लाइफ है, वो आसानी से स्मूथली चलता रहे। तो चलिए, मैं डॉक्टर अंजन प्रतिम दास आप सबको आप ही का अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर अंजन्स हेल्थ टॉक में फिर से स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे कैसे आसानी से हम प्री मैच्योर इजाकुलेशन से बच सकते हैं घर में ही। तो वीडियो को लाइक एक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि हम जो वीडियो डालते हैं आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो प्री मैच्योर इजाकुलेशन क्या था? जब एक पुरुष और एक महिला के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और क्लाइमेक्स से पहले ही पुरुष का सीमेन बाहर निकल जाता है, उसी को हम प्री मैच्योर इजाकुलेशन कहते हैं। प्री मैच्योर इजाकुलेशन से बचने के लिए आपको सबसे पहले एक्टिव बनना पड़ेगा। फिजिकली अगर आप एक्टिव होंगे तभी आप प्री मैच्योर इजाकुलेशन से बच पाएंगे। फिजिकली एक्टिव मतलब ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका ठीक नहीं होगा तो आप प्री मैच्योर इजाकुलेशन के शिकार ज़रूर बनेंगे। लेकिन अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, आपका पूरा शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अगर पूरा एक्टिव रहेगा तब आप प्री मैच्योर इजाकुलेशन से बचे रहेंगे, आपको प्री मैच्योर इजाकुलेशन नहीं होगा। तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने के लिए आपको पहली बात एक्टिव बनना पड़ेगा। उसके लिए जो जितने भी कार्डियक एक्सरसाइज है, रनिंग कहे आप, वॉकिंग, स्विमिंग और फ्रीलांस जितना भी एक्सरसाइज है, एरोबिक्स, वो सब आपको करना पड़ेगा समय समय पर ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन शरीर का ठीक से हो और आप प्री मैच्योर इजाकुलेशन से बचे रहे। तो आज से ही आप ये जो कार्डियक एक्सरसाइज है, रनिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, एरोबिक्स, हर तरह का कार्डियक एक्सरसाइज आप करने की कोशिश कीजिए सुबह सुबह उठ के, ताकि आप प्री मैच्योर इजाकुलेशन से बचे रहे। ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका ठीक होगा तो प्री मैच्योर इजाकुलेशन के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रह सकते हैं। इसके साथ आप प्याज, आपके डाइट लिस्ट में प्याज हमेशा, ऑनियन हमेशा रखिए, लहसुन रखिए, पीपर्स आप रखिए, फिर आप मिर्च रखिए, विटामिन सी रहता है मिर्च में, हरी मिर्च में, और साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड हमेशा लीजिए अपने डाइट में। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए टूना फिश, सालमन फिश, एवोकाडोस, फिर आप कह सकते हैं ऑलिव ऑयल, ये सब चीज़ें आप अपने डाइट में ऐड कीजिए ताकि ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी आपको कमी ना हो आपके शरीर को, ताकि आप प्री मैच्योर इजाकुलेशन से बचे रह सकते हैं। प्री मैच्योर इजाकुलेशन से बचने के लिए जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उस टाइम आपके ब्रेन से आपके पेनिस तक ठीक से सिग्नल आना पड़ेगा। अगर ठीक से सिग्नल आता है तो आप प्री मैच्योर इजाकुलेशन में नहीं भुगतेंगे, लेकिन अगर ठीक से वो सिग्नल ब्रेन से पेनिस तक नहीं आता है तो आपको प्री मैच्योर इजाकुलेशन ज़रूर होगा। सेक्सुअल इंटरकोर्स के क्लाइमेक्स से पहले ही आपका इजाकुलेट हो जाएगा सीमेन, जो आपका वीर्य है वो धातु है वो बाहर निकल जाएगा, और ये ना हो इसके लिए ब्रेन से सिग्नल ठीक से आना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, हमको विटामिन B1 जिस खाने में है ज़्यादा, तो विटामिन B1 हमको बहुत ज़्यादा लेना है। उसके लिए किडनी बीन्स, जिसको हम राजमा भी बोलते हैं, उसको हमारे डाइट में ऐड करना है। उसके साथ हमको मूंगफली खाना है, मूंगफली में विटामिन B1 बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम रोज़ किडनी बीन्स और मूंगफली खाएंगे तो विटामिन B1 की कमी हमारे शरीर को नहीं होगा और हम प्री मैच्योर इजाकुलेशन से बचे रहेंगे। इसके साथ आपको एग, अंडा भी लेना है हमेशा विटामिन B6 के लिए। विटामिन B6 हमारे जो इरेक्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और ये विटामिन B6 अंडा में बहुत ज़्यादा रहता है, तो
अंडा हमेशा अपने डाइट में ऐड कीजिए, रोज़ एक अंडा लीजिए और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से बचे रहिए। इसके साथ साथ आपको पम्पकिन सीड, ओइस्टर फिश, पीनट्स, आलमंड्स, स्पिनाक, ये सब चीज़ अपने डाइट में ऐड करना है ताकि आपको जितना भी न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट्स चाहिए इन सब से आपको मिले और आप प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से बचे रहे। साथ ही में जिंक सप्लीमेंट, रोज़ आपको जिंक सप्लीमेंट लेना है। जिंक सप्लीमेंट हमारे पुरुषों का जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको इंक्रीज करता है, साथ ही में आपका लिविडो या जो सेक्स करने की जो चाहत है उसको बढ़ाता है। तो रोज़ जिंक सप्लीमेंट लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक पुरुष के लिए ताकि वो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से बचे रहे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस तरह का 3 आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में जो अगर आप रोज़ लेंगे आपको 110% प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से बचे रहेंगे। तो क्या है ये 3 प्रकार का हर्ब्स? जी हाँ, काउंस बीज, कमिनी विद्रावती रस और साथ ही में यवन अमृत बटी, ये 3 प्रकार का आयुर्वेदिक हर्ब्स है जो आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से बचाएंगे बिना किसी साइड इफेक्ट के। आपको जितने भी अच्छे फार्मेसी है या आयुर्वेदिक काउंटर है, मेडिकल स्टोर है आयुर्वेदिक, वहाँ पे ये तीनों चीज़ आपको मिल जाएगा, तीनों हर्ब्स मिल जाएगा और इससे आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से बचाएगा ये तीनों, अगर आप रोज़ ये तीनों को लेंगे। तो आज ही इन तीनों को लेने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों ये कुछ सलाह और टिप्स था घरेलू जिनसे आप प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से आसानी से बच सकते हैं। इसके साथ कुछ योगा है जो आपको अभी यहाँ पे आप देखने को मिलेगा, आपको जिन योगा प्रैक्टिस से आप लोग आसानी से प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और किसी भी सेक्सुअल डिसऑर्डर से बच सकते हैं। तो ध्यान से ये योगा को देखिए और उनको प्रैक्टिस कीजिए घर में ताकि आप लोग प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से बचे रहे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभवान होगा और इस वीडियो में जितने भी बातें की गई है सारी बातों को आप आसानी से अपने जीवन में ढाल के प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से बच सकते हैं और बचेंगे। तो वीडियो में जितने भी बात कही गई है उनको फॉलो कीजिए और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन से आज से ही बचकर रहिए। वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि सब लोग इस प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन से बचे रह सकते हैं। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जो वीडियो डालते हैं आप लोगों को सबसे पहले मिले। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, नमस्ते।